वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2020 के टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज है 17 फरवरी 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 152। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी पर। तो क्वेश्चन नंबर वन है, 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पर, तो सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट हैं। महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं, जहां उष्ण व शीतल धाराएं मिलती हैं वहां घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। ठंडी समुद्री धाराएं अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहाकर लाती हैं क्या? देखिए करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के टेम्परेचर जो को जो है प्रभावित करती हैं, और जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहां घना कोहरा उत्पन्न होता है, और ठंडी समुद्री धाराएं जो है अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड बहाकर लाती हैं। इन्हीं से टकराकर डूब गया था टाइटैनिक। तो महासागरीय धाराएं समुद्र तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की ऊष्मा से पश्चिम यूरोपीय तट पर सागरीय जल का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जिससे शीत ऋतु में भी जल नहीं जम पाता और बंदरगाह खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर अन्य जगह सागर जम जाते हैं। जहां ठंडी और जलधाराएं मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरा उत्पन्न होता है, जो समुद्री यातायात में बाधक होता है। शीतल धाराओं से प्रभावित तटों पर तापमान जो है वो कम हो जाता है, और ठंडी समुद्री धाराएं अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड बहाकर लाती हैं, जिनसे जहाज़ों के टकराने का खतरा बना रहता है। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज लैब्राडोर धारा द्वारा बहाकर लाए गए विशाल हिमखंडों से टकराकर डूब गया था। सभी ने देखी है ना टाइटैनिक मूवी। क्वेश्चन नंबर टू है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की धाराओं में क्यूरेशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू की धाराएं प्रमुख हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर की धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, कैनेरी, फॉकलैंड और बेगुएला धाराएँ प्रमुख हैं। हिंद महासागर में मोजाम्बिक और अग्लूहास प्रमुख धाराएँ हैं। अब बताइए इन तीन स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन कौन करेक्ट हैं? क्या सारे करेक्ट हैं या कुछ करेक्ट हैं? देखिए हिंद महासागर की धाराओं में मोजाम्बिक और अग्लूहास प्रमुख धाराएं हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। अब जो क्यूरोसियो है, क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, पेरू है, तो यहीं से आप पता लगा लीजिए ना, कैलिफोर्निया के साइड है, फिर उधर पैसिफिक आएगा ना, तो अटलांटिक तो होएगा नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। और जहाँ लैब्राडोर, कैनरी, फॉकलैंड, लैब्रा से भी आप लगा सकते हो कि अटलांटिक होगा, तो गलत है दोनों के स्टेटमेंट, दोनों के दोनों। ये अटलांटिक महासागर नीचे होना चाहिए, पैसिफिक महासागर ऊपर होना चाहिए, तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, वरना दोनों के दोनों असत्य हैं। इसका आंसर है केवल तीन, सी हो जाएगा आंसर। तो प्रशांत महासागर की धाराओं में है क्यूरेशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू की धाराएँ, और अटलांटिक महासागर की धाराओं में है गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, कैनरी, फॉकलैंड और बेगुएला धाराएं। हिंद महासागर में मोजाम्बिक और अग्लूहास प्रमुख धाराएं हैं। नंबर थ्री है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति, महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता की स्थिति, महासागरीय जल के घनत्व में भिन्नता की स्थिति, और चौथे पर है वायु दाब। उपर्युक्त किन कारणों से महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति होती है, बताइए। कौन कौन से कारण हैं जो महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति करते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति से भी होती है, महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता की स्थिति भी, महासागरीय जल के घनत्व में भिन्नता की स्थिति भी, और वायुदाब, वर्षा की मात्रा, तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति, महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि में भिन्नता की स्थिति, वायुदाब हो गया एवं प्रचलित हवाएं, वर्षा की मात्रा कितनी है, वाष्पीकरण कैसा है, ये सारे के सारे प्रमुख हैं। धाराओं का प्रवाह दिशा तथा गति पर
सागरीय तल के उच्छ्वास, तटरेखा का आकार एवं दिशा, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा आदि का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। किस पर? धाराओं के प्रवाह, दिशा एवं गति पर। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं 5 प्रकार की होती हैं। आसान सा प्रश्न है, बहाव में बह मत जाना। तो पहला तो करेक्ट है, लेकिन महासागरीय धाराएं 3 प्रकार की नहीं होती, सॉरी 5 प्रकार की नहीं होती। ये तो 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी गर्म, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, मतलब कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो यहाँ केवल एक करेक्ट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की नहीं होती। तो देखिए, जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, गर्म धारा और ठंडी धारा, या फिर गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा, जल भी लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बेंगुएला, हम्बोल्ट या पेरू कोमा कैलिफोर्निया, कैनरी ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं गर्म होती हैं। देखिए, यह अपनी प्यारी सी अर्थ, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब ये कह रहा है विषुवत रेखा, ये इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ऊपर की तरफ जाना है तो प्रवाहित होने वाली ये धाराएं जो हैं वो ठंडी हैं। गलत है, यहाँ पर तो गर्म होगी ना, ऊपर ठंडी होगी, तो ये ऊपर की तरफ जाने पर ये गर्म होगी और नीचे की तरफ जब ऊपर पोल से आएगी विषुवत रेखा पर वो ठंडी होगी। तो दोनों के दोनों गलत हैं यहाँ पर। अगर इंटरचेंज कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा, वरना निरर्थक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म 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 वार्म, और ध्रुवों से मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली ठंडी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरिओलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपने दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। धाराओं का प्रवाह और उनकी दिशा और उनकी गति तटरेखा के आकार एवं तटरेखा की दिशा, मौसम के परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन दिशा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो नीचे वाला तो अभी बताया था ना एक्सप्लेनेशन में, पहला तो करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, अगर अच्छे से सुना होगा तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कोरिओलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दिशा अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। आपको पता ही होगा पृथ्वी कैसे घूमती है। धाराओं का प्रवाह, दिशा, गति पर सागरीय तल के उच्चवाच और तटरेखा का आकार एवं दिशा, मौसम का परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा आदि का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब असत्य है। यहाँ नीचे ध्यान देना जरूरी है कि पूछा क्या है, सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। गल्फ स्ट्रीम की ऊष्मा से पश्चिमी यूरोपीय तट पर सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है। पश्चिमी यूरोपीय तट पर सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है या घट जाता है? देखिए, गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है ना, तो गर्म है तो तापमान बढ़ाएगी, करेक्ट है। दूसरा, महासागरीय धाराएं समुद्र तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं, करेक्ट है। तो कौन सा गलत पूछा है इसने? ये तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों के दोनों सत्य हैं। तो महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की ऊष्मा से पश्चिमी यूरोपीय तट पर सागरीय जल का तापक्रम बढ़ जाता है, जिससे शीत ऋतु में भी जल जम नहीं पाता और बंदरगाह खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर अन्यत्र सागर में जल जम जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन महिलाओं का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है? तो 7 प्रश्न तक चला ज्योग्राफी, अब आ गया है हिस्ट्री, ताकि मूड फ्रेश रहे। तो किन महिलाएं हैं भाई, कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनका संबंध रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से? कल्पना दत्ता, गौरा देवी और कनक लता बरुआ, बताइए। देखिए कल्पना दत्ता तो हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी, और कनक लता बरुआ भी हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट, तो गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कनक लता बरुआ और कल्पना दत्ता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, मैडम भीमकाजी कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी तथा अरुणा आसफ अली ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरा देवी का संबंध भारत छोड़ आंदोलन से ना होकर चिपको मूवमेंट से रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा सा कुछ लिखा है यहाँ पर एक परिच्छेद के रूप में। तो ये प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रहीं, ये कौन? इन चारों में से कोई एक होगा। इन्होंने धर्षाना नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी वे सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से शीघ्र ही जेल से इनको रिहा कर दिया गया। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसकी सही व्याख्या करती हैं, बताइए कौन है ये? कौन है ये महिला? सरोजनी नायडू हैं, अरुणा आसफ अली हैं, मैडम भीमकाजी कामा हैं, या फिर हैं सुचेता कृपलानी? देखिए यहाँ एक पॉइंट से आप पकड़ सकते हो, धरसाना नामक सत्याग्रह के दौरान, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। तो सरोजनी नायडू की बात हो रही है, सरोजनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय थीं। उन्होंने धरसाना नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी वे सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के कारण शीघ्र उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रमुख नेताओं में वो भी शामिल थी। उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था और 10 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुई और फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई। 10वां प्रश्न, एक बार फिर से जेल से छूटने के बाद ये अमेरिका गई तथा वहाँ के लोगों को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सच्चाई के बारे में बताया। इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, नाटक संगीत नाटक अकादमी, भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1955 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन सी व्याख्या है, किसके बारे में है व्याख्या? उषा मेहता के बारे में नहीं है, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में नहीं है, मैडम भीमकाजी कामा के बारे में नहीं है, यह है कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। तो देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय रहीं, और अपने राजनीतिक संघर्ष के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्हें गिरफ्तार किया गया, और जेल से छूटने के बाद वो अमेरिका गईं तथा वहाँ के लोगों को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सच्चाई के बारे में बताया कि हो क्या रहा है इंडिया में, और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप भी अपना योगदान देना इसको अच्छे से रिविज़न करने में। तो 10 प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट थे, फोकस था ज्योग्राफी पर, और कुछ प्रश्न इसमें ऐड किए गए हिस्ट्री पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एकदम यूपीएससी की मांग के अनुसार हैं। धन्यवाद।